हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव ओडिशा। सो आज आम ओ ट्रिपल एस सी पीओ एग्जाम निमंते ओ ट्रिपल एस सी पीओ एवं जूनियर क्लर्क निमंते पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन नहीं आसी, पूरा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो तुम क्वेश्चन देखने ही जापर के भाव में आसूँ। ता पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखुदू और पाखे बेल आइकन दबे अल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु। ताद्वारा कौन हम ना जब भी मुझे वीडियो अपलोड करी तुम निकट में सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन टी पहुँच बुझे। सो डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करवा। सो एक नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 299। कौच द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दुईटा प्रोडक्टर गुणफल दुईटा संख्यार गुणफल मन कर सपोज गोटे संख्या ए नेली आ गोटे नेली बी नेली से कहे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दुईटा जो ए और बी रो गुणफल माने ए बी इज इक्वल टू दे 120 हाँ ना नहीं। तापर कहे से मानकर स्क्वायर रो से संख्या दुईटी रो स्क्वायर रो जोगफल होउची 299। ता मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289। देन से पचार तो सम ऑफ टू नंबर इज तेरे से पचार ए प्लस बीटा केते हम। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सो आमको आम जाचे छोट बेलू आम जाने ए प्लस बी रो होल स्क्वायर सूत्र कौन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हाँ ना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह आम पकई पार 299 युक्त टू ए बी। टू ए बी मान दुई गुणन ए बी, दुई गुणन ए बी मान दुई गुणन 120 तो मतलब 240 इज इक्वल टू। सो 299 240 मिसले के 529 तमें आम पाइले कौन ए प्लस बी रोल स्क्वायर पाइले के प्लस बी रोल स्क्वायर पाइले 529। सो खाली ए प्लस बी कौन है 529 रुट ओवर 529 रुट ओवर जोटा कि 23 कौट अच्छी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बुझिपार। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम देख ए सब सब्जेक्टर प्रश्नपत्र पाइबापी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एवं ही चैनल को सब्सक्राइब कर रख सांग मोस्टली शेयर कर। जो पे भावुवे केवल आम पढ़ीदबू आम केवल करदेबू सबकि भूल जिनस तेना सब मनरे चेषा कर समस्ते ग्रो कर जो समस्ते ग्रो कर चेषा कर देख तुम सफलता तुम हाथ मुठार रुझी। समस्त भल चिंता कर पिलार भगवान चिंता करते समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को शेयर कर। ओके, दुई नंबर क्वेश्चन जीवा ए नंबर व्वेन डिवाइडेड बै 14 गोटे नंबर जोटा कि 114 सहित डिवाइड कले रिमाइंडर बाहर 21। गोटे नंबर को 114 सहित डिवाइड कले तार शेष भागशेष बाहर 121 इफ द सेम नंबर जब से ही नंबर टाक डिवाइड करा जाए 19 तार रिमाइंडर केते हे। तो एमती जिते क्वेश्चन थी गोटे बहुत ही शॉर्टकट मेथड अच्छी जो यार रिमाइंडर अच्छी ये संख्या भितर हरिदेव माने 21 को 19 रे हरिदेव के बाहर 19 तो तार रिमाइंडर के बाहर 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौच इफ 5432 स्टार 7 इज डिवाइडेड बाय 9 ए मैंने स्टार भितर जो संख्या रही से 9 द्वारा डिवाइड होन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज डैश से जो स्टार जगह केते रही संपूर्ण भाव डिविजुअल होती से स्टार जगह केते रही एम तो क्वेश्चन निश्चित भाव में आसो तेनालीटा हो जाए शिखिगला तो इजी वे जापर तेनालीरु फर्मूला बुझाक पड़ो। फर्मूला कौन 9 द्वारा डिविजुबल फर्मूला कौन आम जाच 9 द्वारा डिविजुबल फर्मूला कौन जदि जीटा संख्या अच्छी से मानकर डिजिट गुड़ी मिसेवा मिसेले जब से 9 द्वारा विभाजित होता विभाजित होता मिस सब तक डिजिट मिसे 5+4+3+2+7 अच्छे तो जो कले के 5 4 9 3 12 12 2 14 14 7 21 हो हाँ ना नहीं 21 हो 21 तो 9 द्वारा डिविजिबल नुह तो 9 द्वारा डिविजिबल होगाक आम केड कर पड़ो से कते आड करा पड़ो 6 गोटे कहीं 9 3 27 तेणु 6 आड कर स्टार जगह आम के 6 आड कले तो सही हम ना तेणु स्टार जगह के 6। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। बुझिपार बहुत ही इजी क्वेश्चन था जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दि चैनल को बहुत मात्र शेयर कर।
କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମର ଆଉ ଯେତକ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାକରଣର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଜେନେରାଲ, ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସବୁତକ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଅଧିକ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସବୁତକ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ଯିବି। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କହୁଛି ସିକ୍ସ ବେଲ୍ସ କମେନ୍ସ ଟଲିଂ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ଟଲ୍ ଆଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ସ ଅଫ୍ 2, 4, 6, 8, 10 ଆଣ୍ଡ 12 ସେକେଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। କହୁଛି 6ଟା ବେଲ୍ ବାଜୁଛି, ଏକାଠି ବାଜୁଛି କେତେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ, 2 ସେକେଣ୍ଡରେ, 4 ସେକେଣ୍ଡରେ, 6 ସେକେଣ୍ଡରେ, 8 ସେକେଣ୍ଡରେ, 10 ସେକେଣ୍ଡରେ, 12 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଇନ୍ 30 ମିନିଟ୍ସ, ତାହେଲେ 30 ମିନିଟ୍ରେ ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଟୁ ଦେ ଟଲ୍ ଟୁଗେଦର, ତାହେଲେ 30 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ଥର ବାଜିବ? ଓକେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ 2, 4, 6, 8, 12 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏମିତି ଦେଇଥିବ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆଙ୍କର ସବୁ ଲସ୍ ବାହାର କରିଦେବ। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ଲସ୍ ବାହାର କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 2ରେ କାଟିଲେ 2k, 2 ଦୁଗୁଣେ, 2 3, 2 14, 2 5, 200, ପୁଣି କେତେରେ କଟିବ? 2ରେ କଟିବ 2k, 3 ଓହ୍ଲେଇଲା, 2 ଦୁଗୁଣେ, 5 ଓହ୍ଲେଇଲା, 2 3, ପୁଣି କେତେ କଟିବ? 3 କଟିବ, 3k, 2 ଓହ୍ଲେଇଲା, 5 ଅଛି 3k, ତ କେତେ ହେଇଯିବ? 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 ଦୁଗୁଣେ 120। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଏଲ୍ସିଏମ୍ଟା କେତେ ହେଇଗଲା? 120 ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଉନି? 120 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ 120 ସେକେଣ୍ଡଟା କେତେ ମିନିଟ୍? 2 ମିନିଟ୍, କାହିଁକିନା 1 ସେକେଣ୍ଡ, 1 ମିନିଟ୍ରେ 60 ସେକେଣ୍ଡ, ତାହେଲେ 2 ମିନିଟ୍ରେ 120 ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ବେଲ୍ ବାଜୁଛି କେତେ ଥର? 1 ଥର। ତାହେଲେ 30 ମିନିଟ୍ରେ ବାଜିବ କେତେ ଥର? 15 ଥର। କିନ୍ତୁ 15 ଥର ମାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଥରେ ବାଜିଲା ପରେ, ମନେକର ଏଇଟା 0 ଅଛି, ଏଠି 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଥରେ ବାଜିଲା ପରେ ବାଜୁଛି କ'ଣ? 15 ଥର। ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିବ? କାହିଁକି 2 ମିନିଟ୍ରେ, କାହିଁକି ଥରେ ବାଜିଲା ପରେ ବାଜୁଛି 15 ଥର। ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଉନି? ତେଣୁ ଇଏ 15 + 1, ଏ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 16 ଥର। କ୍ଲିଅର? ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କହୁଛି 1/20+1/30+1/42+1/56+1/62+1/90 ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ଦେଖ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90। କ୍ଲିଅର? ତ ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେମିତି? ଆମେ ତାକୁ ଏଭଳି ଲେଖିବା ଯାହାର ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ 1 ରହୁଥିବ। କେମିତି ଲେଖିବା? ମନେକର 1/20 ତ, ତ 5 × 20 ହେଇପାରିବ, 4 × 5। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ତ 1 × 1/4 × 5 ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଟା କେତେ ଲେଖିପାରିବା? 5 × 6 ଲେଖିପାରିବା, କାହିଁକିନା 6 ରୁ 5 ଗଲେ 1 ଡିଫରେନ୍ସଟା। ତ ଏଇଟା କେତେ ପାରିବ? 742। ତ 1/6 × 7 ଲେଖିପାରିବା, 856 ସଂଯୁକ୍ତ 1/7 × 8 ଯୁକ୍ତ 72 ହେଲେ 8 × 9, 9 = 72, 8 × 9 ଯୁକ୍ତ 1/9 × 10। ତ କ'ଣ କରିବା ଏ କେସ୍ରେ? କେମିତି କରିବା ନା, ପ୍ରଥମର ଫାଷ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ 1/4 - 1/10 ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା କେତେ ହେବ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଲସ୍କୁ ପଳେଇଲା 4×10 = 20, 20×4 ହେଲେ କେତେ? 5, ତ ଉପରେ ହେଲା 5 - 10 = 2, 2×3/20 ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିଅର? ଏବେ ଆସିବା 6 ନମ୍ବର, କହୁଛି ଦ ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ 4 ମେମ୍ବର୍ସ, ଦ ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ 4, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ଟା ଦେଇଛି, କେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? 4 ଇୟର୍ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଜ୍ 19 ଇୟର୍, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେ ଥିଲା? 19 ବର୍ଷ। ନାଓ ଦେ ଆର୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ହାଜ୍ କେପ୍ ଦ ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମ୍। ସେଇ ସେମ୍ ତାଙ୍କ ଆଭରେଜ୍ ଯେତିକି ଥିଲା, ଆର୍ ବି ଆଭରେଜ୍ ସେତିକି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସମାନ ଆଭରେଜ୍ଟା ସେମ୍ ହେଇଗଲେ ମାନେ, ସପୋଜ୍ ଆମର କହିପାରିବି 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଇଥିବ? 19 + 4 ତାମାନେ 23 ଇୟର, ତାଙ୍କ ଆଭରେଜ୍ଟା ସେମ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କର? ଆରେ ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝୁନି? ଆଭରେଜ୍ଟା କେତେ? 19 ବର୍ଷ ଥିଲା ନା,
फोर ईयर बैक 4 वर्ष परे 23 × 4 आम कहीपर 92 वर्ष बुझीपा बुझीपा ना कहि तो आवरेज एज फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स 4 फैमिली मेंबर्स आवरेजा 4 ईयर बैक वाज 19 इयर्स 4 वर्ष पूर्व 19 वर्ष आवरेजा 4 मेंबर 4 वर्ष पूर्व थिला केते 19 वर्ष 4 वर्ष पर केते ही थिवो ताले ना 4 वर्ष पूर्व अच्छा एटा 4 वर्ष पूर्व अच्छा तो 4 वर्ष पर ना को आसापी तो 4 वर्ष आगे जावा पड़े ना पड़ोनी से माने 4 वर्ष पछर अच्छा 4 वर्ष आग को वर्तमान को आसापी 4 वर्ष मिसी हे ना मिसबनी तर मुझे 4 वर्ष मिसेली 23 आवरेजा समस्त सामान मैंने गुणी पार तेना आवरेजा गुणी गुणी देला के 92 वर्ष 23 वर्ष थी आवरेज समस्त सामान तेणु 92 वर्ष आवरेज होतापर कौन सी गोटे आड है किए आड होगा 5 जन मेम्बर आड होगा 5 जन मेम्बर आड होगले 4 जगह के पड़ो 5 हो बुझे ना बुझुनि तो 19 × 5 के 95 वर्ष से पचारती से रिसेंट जो आडेड टू द फैमिली मेम्बर्स तार बयस के 95 रु 92 फेड़दे से बयसटा काटदे टोटाल अच्छी 95 से 4 जन बयस काटदे आम पाइज आवरेजा केनिपर सो आंसर हो 3 वर्ष ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे 7 नंबर क्वेश्चन कहे स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 इज इक्वल टू डैश ओके बहुत ही सहज सी कहे 9/10 स्क्वायर रूटा बाहर करने को आम जानचे 9 किए 3 रूट 10 तो ना मैंने रूट 10 कर सूत्र मन अच्छी जो पायर मूल्य 22 / 7 नहीं पार्थले आम पायर मूल्य रूट 10 नहीं पार्थले पायर मूल्य 3.16 नहीं पार्थले तेना आप्रोक्सीमेटली रूट 10 मूल्य के 3/3.16 या को डिविजिबल जो करवा यह मैक्सीम 0.9487 आप्रोक्सीमेटली ये आसो बुझे ना बुझे क्लीयर। 8 नंबर क्वेश्चन कहे P plus 1/P = 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P - 8 टू दी पावर 11 प्लस 1/P = 11 के ओके बहुत इजी क्वेश्चन देख यहाँ के P plus 1/P = 8 दे तो आम लिखिपर 1/P इज इक्वल टू 8 - P ओके एटी कौन दे P - 8 ओके यहाँ को आम P - 8 कन्वर्ट कर तेणु मुझे लिखिपरि एपटे गोटे माइनस देदे यहीटा हो P - 8 हो पारेगला तो ये कौन क्या देख ये आमर कौन ना P - 8 रत 11 प्लस 1/P रत 11 बुझेना बुझे तेना P - 8 जगह आम पकई पार 1/P पकई पार 11 युक्त 1/P = 11 तेणु जितेबले 1 × 11 आम कर P / 11 क्लिक करवा अरे बुझीपना बुझीपना तो माइनस अच्छे तेणु यार जो 11टा अच्छी आम 1 × 11 P · 11 युक्त 1/P = 11 ये 1/P = 11 तो मूल से 1 हम ना तेनालीराम माइनस 1/P of 11 रहा युक्त 1/P = 11 देख नेगेट पजिट तो कैनसल हो तो आंसर होते 0 बुझी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कहला फेयर प्राइस सबकीपर टेक्स 10% प्रॉफिट इन हिज गुड्स तार जिनिस 10% प्रॉफिट करुचे किंतु ही लॉस 20% गुड्स ड्यूरिंग थेफ्ट किंतु से 20% चोरी रे नष्ट हो जाइछि देन हिज लॉस परसेंटेज डैश तार से लॉस परसेंट केते पाउछि बुझो चेष्टा कर सपोज तार कोन 100 ए फेयर प्राइस ऑफ सबकीपर टैक्स तो मानव 100 तार अच्छे तेना सी कौन करुच्छे 20% से लॉस कर दौर तार मन को सपोज 100% अच्छी 20% लॉस कर दौर के 80% कर दौर हाँ ना तेना से 80% लॉस कर देला परे से जो 80% रे केते प्रॉफिट करुच्छे 10% प्रॉफिट करुच्छे ताले 80 × 10% रो माने गुणन 80 × 10% 10% माने 10/100 गोटे शून के 8 ता पाखे थिला 80 प्रॉफिट कला 8 ता माने केते हला ता पाखे 88 हला हाँ ना नहीं
88 ହେଲା ତ ତେଣୁ ତାର ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 100% ତାର ଲାଭ ବାହାରିକି ଏତିକି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ତାର ଲସ୍ କେତେ ହେଲା ତେଣୁ ଯେମିତି ଲସ୍ ହେଇଛି ଆର 88 100 ଅଛି ତାର 100 ଥିଲା 88 ଅଛି ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଲସ୍ ହେଇଛି ନା କେତେ ଲସ୍ ହେଇଛି 100-88 ତାମାନେ କେତେ ହେଇଛି 12 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ୍ଲିଅର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଇଫ୍ ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/5 ବି ବାଇ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4/7 ଦେନ୍ ଏ ବି ସି କେତେ ହେବ ହେଉଛି ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/5 ବି ବାଇ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4/7 କହୁଛି ଏ ବାଇ ସି ଏ ଅନୁପାତ ବି ଅନୁପାତ ସି ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆଗେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏ ଲେଖିଦେଲ ବି ଲେଖିଦେଲ ସି ଲେଖିଦେଲ ଏ ଜାଗାରେ 3 ପକେଇଲ 3/5 ବି ଜାଗାରେ ସି ବାଇ 7 କେତେ ହେଇଛି 4/7 ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଲିଟା ଅଛି ଆ ପାଖରୁ ମାଗିବ ସେ 4 ଲେଖିବ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି 5 ପେନ୍ ମାଗିଦେବ ଗୁଣିଦେବ ତାପରେ 3×12 5×20 5×35 ସୋ ଏ ଅନୁପାତ ବି ଅନୁପାତ ସିର କେତେ ହେଇଯିବ ଭାଲ୍ୟୁ 12×20×35 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ଏତିକି କିଛି ପୁରା 10 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି ଜିକେର ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କର ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତୁମେ ଯେତେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍